तो दोस्तों आप देख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। आप मेरी बैक साइड पर देखें, ये सामने भी तालाब है, वहाँ दूर भी तालाब है और ये ज़मीन आबाद है। यहाँ की ग्रीनरी आप देखें। तो दोस्तों अब चलते हैं दरगाह पे, दुरूद फातिहा कर लेते हैं। माशाल्लाह दरगाह पहाड़ी के ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ ऊपर चल के आपको और व्यू दिखाते हैं। अब हम दरगाह की तरफ जा रहे हैं दुरूद फातिहा करने, और वहाँ ऊपर चलकर आपको बाबा की ज़ियारत करवाते हैं। दोस्तों हमने दुरूद फातिहा कर लिए बाबा की मज़ार पर। आए दोस्तों यहाँ ये यहाँ मस्जिद का भी एहतमाम है। आए दोस्तों आपकी मस्जिद में भी चलते हैं। ये मस्जिद मदीना है। माशाल्लाह से दोस्तों आप देख सकते हो ये छोटी सी मस्जिद कितनी खूबसूरत बनाई गई है। यहाँ आप नमाज का भी एहतमाम है, नमाज पढ़ सकते हैं आप। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई है। दोस्तों अगर कभी सुल्तान अलमारी क्या उसे माशाल्लाह। और आए दोस्तों हम आपको यहाँ के व्यू दिखाते हैं, यहाँ की खूबसूरती दिखाते हैं। बहुत दिली सुकून मिल रहा है, यहाँ पे दिली राहत महसूस हो रही है और बहुत बेहतरीन यहाँ के व्यू है। ये एक कदीम कब्रिस्तान है और इसकी कब्रें भी चौखंडी के कब्रों की तरह ज़र तामीर हैं, और इस पर भी वो फनकारी की गई है, कारीगरी जैसा आपने चौखंडी के कब्रिस्तान में देखा होगा, मसीह के कब्रिस्तान में देखा होगा। दोस्तों ये बड़ा एक कब्रिस्तान है जिसका ऊपर से भी रास्ता है और आप नीचे गाड़ी से बाइक से भी आ सकते हैं। आप देख रहे हैं ये वो रास्ता भी है। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ हमारी माँ बहनों के लिए नमाज़ पढ़ने का एहतमाम किया जाता है। ये ख़ास लेडीज़ के लिए जगह बनाई हुई है नमाज के लिए। आए दोस्तों हम आपको नीचे कब्रिस्तान में ले चलते हैं।
देखें माशाल्लाह कैसे बेहतरीन नज़ारे हैं। ये इसी तरह आपको जैसे गोरख हिल पार्क है आपने देखा है, इसी तरह के यहाँ पे नज़ारे हैं पहाड़ पे। पहाड़ की ऊंचाई से आप देख सकते हैं तालाब, ज़मीन और दूर तक ये गुज्जो और मकली के पास है ये दरगाह। आप यहाँ पर आएँ, रोज़ फातिहा करें। तो दोस्तों जैसे आपको सरफराज भाई ने बताया, यहाँ के नज़ारे तो इतने खूबसूरत हैं माशाल्लाह से, हमारे सरफराज भाई दीवाने हो गए और वो देखो पहाड़ के सिरे पे जाके खड़े हो गए। उनका इरादा क्या है? ये कि एक अच्छी जगह लग रही थी मुझे और बेहतरीन लोकेशन लग रही थी, तो यहाँ मैं नीचे तक आया हूँ। अभी मैं इससे और नीचे जा सकता हूँ लेकिन इससे ज़्यादा नीचे जाना मुनासिब नहीं है, ये एंड है यहाँ पे, यहाँ से फिर आपके गिरने का खतरा है, ये बेहतरीन जगह है। तो दोस्तों जो हरकत सरफराज भाई कर रहे हैं वो आप लोग मेहरबानी करके वो काम मत करना। आ जाओ सरफराज भाई, मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ। देख सकते हैं अक्सर फिल्मों में ऐसे ही होता है, यहाँ से खड़ा करके रस्सा डाल देते हैं और वो खींच रहे होते हैं एक दूसरे को, हमें नज़र आता है कि वो बहुत सारी ठीक ठाक खींचे हैं। बस हाथ की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह, अब हम आ जाते हैं ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। ये एक बहुत कदीम और पुराना कब्रिस्तान है। आए दोस्तों हम आपको नीचे चौखंडी की तर्स की जैसी जो कब्रें हैं हम आपको वहाँ लिए चलते हैं। तो आए दोस्तों हमारे साथ। दोस्तों अब हम पहाड़ की दूसरी साइड पर आ चुके हैं। यहाँ लोगों ने जिन्होंने मन्नतें रखी हैं, मन्नतें मांगी हुई हैं किस्म के, ये इन्होंने पत्थर रखे हुए हैं और कुछ कब्रें भी हैं इस पहाड़ पर, काफ़ी कब्रें हैं यहाँ पर पहाड़ पर भी। दोस्तों इसके आसान और सीधे सीधे रास्ते भी हैं लेकिन हम दुश्वार गुजार रास्ते से जाना चाहते हैं। आज हम यही हमारी सोच है कि हम ऐसे रास्ते से जाएं जो थोड़ा हटके हो, सीधे रास्ते से तो सभी चलते हैं, आज हम आपको टेढ़े रास्ते से लेकर चलते हैं। ये इसके दूसरे साइड के नज़ारे हैं, ये नीचे कब्रिस्तान है, हम कब्रिस्तान में भी ले चलेंगे आपको दिखाएंगे और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे, बड़े मुश्किल रास्ते हैं नीचे उतरना। देख रहे हैं लेकिन आप सीधे रास्ते से नीचे उतरना, जो सीधा रास्ता है उस रास्ते से आना कि आपको नीचे कब्रिस्तान नज़र आएगा। पीछे कब्रिस्तान है और ये आपको चारों तरफ ज़मीनें, हरी भरी ज़मीनें नज़र आएंगी जो लोगों ने आबाद की हुई हैं। तो दोस्तों नीचे पहुंचने के लिए नासिर भाई अब जंपे लगाते हुए नीचे जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ से आप शाम के टाइम पे सनसेट का नज़ारा भी कर सकते हैं और बड़ी बेहतरीन जगह है, बहुत अच्छी लोकेशन है।
ये पहाड़ जैसे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने इसे काटा गया है। इसी तरह दोस्तों हम आपको अब नीचे चलते हैं, कुदरत के नज़ारे हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों जिन रास्तों से हमें सरफराज भाई नीचे लेकर आए, आपने देखा कितने ख़तरनाक रास्ते हैं। मेहरबानी करके आप इन रास्तों से नहीं आना और सीधे रास्ते से आना। तो आए दोस्तों नीचे कब्रिस्तान में चलते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा इस तरह हम लड़खड़ाते हुए नीचे जा रहे हैं। तो मेहरबानी करके आप लोग इन रास्तों से दोस्तों अब हम काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं कि हम नीचे पहुंच चुके हैं और बस इंशाल्लाह हम बिल्कुल अनकरीब नीचे पहुंचने वाले हैं। तो डॉक्टर सरफराज भाई का इरादा हमें नीचे लाने का नहीं था, कहीं ऊपर ही भेजने का था, जो इन रास्तों से लेकर आए यहाँ पे पंजाब से आए ये कठिन है, मालूम भी नहीं पड़ रहा है कहीं लमात करें तो कर रहे हैं। तो डॉक्टर भाई एहतियात से चलें, खतरे नहीं है यहाँ पुरानी और कभी जी। दोस्तों ये भी जो कभी भी कब्रे ताने की तरह है कब्रिस्तान है, आप यहाँ की कब्रें देखें। यहाँ पे भी कारीगर ने अपनी फनकारी दिखाई है, कारीगरी दिखाई है। ये देखने जैसी कारीगरी है, इसका क्या मकसद बनता है, यहाँ की तस्वीर ये नक्शो निगारी की गई। तो दोस्तों मकली और चौखंडी कब्रिस्तान के बारे में तो सभी जानते हैं, जहाँ इनफरादी और मुनफरिद कब्रें हैं। इस कब्रिस्तान के बारे में काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिन्हें इसका इल्म नहीं है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही कदीम जगह है जिसके बारे में हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन वो भी मुनासिब नहीं है कि आपको एक अंदाज़ा लगा के बताएँ। तकरीबन कम अज़ कम ये होगा तो इससे ज़्यादा, लेकिन हम आपको 400 से 500 साल देख ले चलते हैं कि तकरीबन ये कब्रें और ये 500 साल पुराना 400 साल पुराना ये विरसा है जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी और मुनफरिद जगहें आपको दिखाते रहें और दरगाहें और कदीमी आसारी आप तक हम पहुँचाते रहें। दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको हज़रत सखी सुल्तान अलमारूफ शाह हुसैन बाबा के दरगाह की ज़्यारत करवाई और इसके साथ कदीम कब्रिस्तान है उसकी ज़्यारत करवाई आपको और यहाँ की खूबसूरती के बारे में आपको दिखाया।
तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। तो आज की लोकेशन आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई करें। दोस्तों, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का ढेरों सारा ख्याल कीजिए। और मैं हूँ आपके साथ सरफराज तनोली और मैं हूँ नासिर मुगल। अल्लाह।